आज कुछ अलग चीज अनबॉक्स करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए एल्पिनो का डार्क चॉकलेट पीनट बटर। और पहली बात बता दूं, पैकेजिंग देख के लग रहा है कि बहुत रिफ्रेशिंग डिजाइन लाया है एल्पिनो ने। सबसे पहले एक बहुत यूनिक सा कार्टन दिया हुआ है उसके ऊपर, मोस्टली इसलिए कि जब ट्रांसपोर्ट करते हैं ना तो पीनट बटर अपनी पोजीशन से ज्यादा इधर उधर हिले नहीं, और उसके अंदर भी अपनी ब्रांडिंग अच्छी खासी की हुई है, उसके नए ब्रांड कलर के साथ मैच किया हुआ है। उसको साइड में रखते हैं और बाद में अगर आपको डिजाइन की बात बताऊं तो पूरा ग्रीन एंड रेड का एक वाइब्रेंट डिजाइन वो लोग ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मुझे तो बहुत रिफ्रेशिंग लगा और बहुत अच्छा, एक तरीके से देखा जाएगा तो बहुत अच्छी डिजाइन दी हुई है। और अभी इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूं ना तो आपको बताना चाहूंगा कि इसके इंग्रेडिएंट्स में सबसे फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो रोस्टेड पीनट्स है, जो कि एक अच्छी बात है। सेकेंड पे चॉकलेट पेस्ट है, ठीक है, उसके बाद कोको मैस है, इमल्सीफायर है और पी प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट दिया हुआ है, इसके साथ साथ वे प्रोटीन भी डाला हुआ है। इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो पीनट बटर है ना उसका टेस्ट तो अच्छा ही है, साथ ही साथ जो इसका प्रोटीन कंटेंट रहता है ना वो अच्छा खासा इंक्रीज हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू मी ना ये इंडिया का बेस्ट पीनट बटर है। रुको जरा, सबर करो। अरे ये कौन बोला, अरे ये किधर से आया? इन दोनों के बिना बेस्ट पीनट बटर का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, देख लेते किसमें कितना है दम। चलो फिर ये प्रोडक्ट को फटाफट अनबॉक्स करते हैं हम। इंतजार नहीं हो रहा। यस, तो इसको अच्छे से सील पैक किया हुआ है। ओहो, आई कैन ऑलरेडी सी द टेक्सचर, जो डार्क चॉकलेट दिख रही है ना, देख के ही लग रहा है बहुत ही ज्यादा फ्रेश और यमी है। ओहो, टेक्सचर इज लुकिंग सो गुड यार, सो गुड, बढ़िया लग रहा है बहुत, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मेन इसकी खुशबू बहुत प्यारी लगी हुई है। तो एक तो अनबॉक्स कर दिया हमने, अब दूसरा वाला फटाफट अनबॉक्स करते हैं। Let's start with my fitness. My fitness. इसको भी अगर हम ओपन करें, ये भी काफी पॉपुलर ब्रांड है। Yes. मिस्टर साहिल खान का। साहिल खान, the youth icon of India. One life जेल है। Yes. जो भी लो दो लो, इधर तो हम तीन तीन लेके बैठे हैं। मैं पीनट बटर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें एक चीज तो देखने में मिल रही है मुझे कि इसके ऊपर ही ना ऑयल सेपरेशन है, थोड़ा सा है बट है। और इसकी जो कलर है दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो ये डार्क चॉकलेट है ऑब्वियसली, तो बहुत ज्यादा डार्क है। और थर्ड प्रोडक्ट जो शायद से मोहित के अंदर कंट्रोल ही नहीं था, उसने ऑलरेडी अनबॉक्स कर दिया है, और ये भी डार्क चॉकलेट है, तो इसलिए इसका भी कलर अच्छा खासा डार्क कलर का है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो सबसे पहले टेस्ट करते हैं हम, कौन सा करें? लेट्स स्टार्ट विद एल्पिनो। एल्पिनो से स्टार्ट करें। ठीक है, एक छोटा स्पून मैंने लिया, क्योंकि ले एक छोटा सा मैं भी लेता हूँ, क्योंकि कैलोरी बहुत ज्यादा होती है। कुछ अलग है, यूजुअली ये क्रिस्पी है टेक्सचर इसका, इसमें कुछ राइस बॉल्स टाइप भी कुछ आ रहा है, जो कि माय फिटनेस में भी जो उसका क्रिस्पी वेरिएंट रहता है ना वो रहता है, तो उसको थोड़ा रेसिपी कॉपी किया हुआ है, बट टेस्ट अच्छा है। टेस्ट इज गुड, अच्छा लगा, और बहुत ही ज्यादा स्मूथ टेक्सचर है इसका, ये नोटिस किया मैंने। ठीक है, अभी इसके बाद हम ट्राई करते हैं माय फिटनेस। Let's do. लेकिन एक रेटिंग दे दे पहले इसको, अगर हमको आउट ऑफ 10 देना होगा तो। आउट ऑफ 10 अगर देना रहेगा तो आई विल इजीली गिव इट 8 आउट ऑफ 10। सेम यार, आई गिव इट 10। जो डार्क चॉकलेट का जो टेस्ट था ना, मतलब एज अ पीनट बटर ओके लग रहा है, बट मैंने कुछ इससे भी बेटर खा चुका हूँ मैं, तो वो फ्लेवर वाइज मैं इसको 8 दूंगा, बट क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, फ्रेश लग रहा है पीनट बटर, एकदम क्रीमी है। तो लेट्स स्टार्ट विद माय फिटनेस। माय फिटनेस, ये इसमें ऑयल बहुत ज्यादा है, ऑयल है तो वो खाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन टेस्ट तो करना ही पड़ेगा, तो लेट्स डू इट। ओके, हम भी इसमें
इसमें कुछ अलग ही टेस्ट आ रहा है, मतलब ये चॉकलेट फ्लेवर है बट इसका चॉकलेट उतना ओवरपावरिंग नहीं जितना डार्क चॉकलेट यूजुअली रहता है। हाँ, तो मतलब इसका अच्छा है, कोई अलग ही फ्लेवर है, अलग फ्लेवर है। एंड अगर मुझे इसको रेट करना हो लेकिन कंपैरिजन टू एल्पिनो तो आई विल रेट इट अ 7, आई वोंट गिव इट 8 बट 7 इज अ गुड नंबर। और ये थोड़ा सा ना एज अ पीनट बटर वाले ही फ्लेवर ज्यादा ओवरपावर्ड है, मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप चॉकलेट पीनट बटर खा रहे हो, राइट? उस हिसाब से ठीक है। अभी एक काम करते हैं, फटाफट एक एक सिप पानी का लेते हैं, अदरवाइज हमको ज्यादा टेस्ट में डिफरेंस पता नहीं चलेगा, राइट? मोस्ट प्रोबेबली आखिरी वाला हम टेस्ट करते हैं, आपको पता नहीं आगे सरप्राइजेस क्या आने वाले हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद पिंटोला। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं रोज ही खाता हूँ, लेकिन लेट्स अभी ट्राई तो करना ही है। मैं फर्स्ट टाइम ये वाला ट्राई कर रहा हूँ पिंटोला का। It's different. इसका ये एक्चुअली क्रंची है, इसीलिए इसमें पीनट्स के भी पीसेस है और डार्क चॉकलेट तो है ही है, तो टेस्ट वाइज काफी अच्छा है। एंड आई एम नॉट बायस्ड टुवर्ड्स इट बट लाइक आई विल स्टिल गिव इट अ 9 बिकॉज़ टेस्ट अच्छा है। आई विल गिव इट 9, नॉट 9, 8.5, बट अच्छा है। इसके कंपैरिजन में मुझे इसका चॉकलेट फ्लेवर है ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बट 9 के लिए हमारे पास एक और कंटेस्टेंट है पीनट बटर का, जो कि सरप्राइज एंट्री है। yes. अगर आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो, आपको चाहिए कि बेस्ट चॉकलेट पीनट बटर इन इंडिया एज ऑफ नाउ। हेल्दी बिल्कुल नहीं है, सिर्फ टेस्ट मैटर करता है, टेस्ट मैटर करता है। हेल्दी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हेल्दी है, थोड़ा हेल्दी है, तो उसकी ग्रैंड एंट्री हो रही है। लेट्स ब्रिंग इट। और ये है हैपिलो पीनट बटर, नेक्स्ट लेवल स्टफ है। मतलब इसका अगर मैं कलर का टेक्सचर बताऊं, और ये मैंने बहुत पहले लाइक 1.5 महीने पहले इसकी अनबॉक्सिंग की थी प्राइवेटली, तो कंटेंट अच्छा खासा इसका देखे तो खत्म हो चुका है, बट थोड़ा बाकी है। तो मेन एक चीज बताना चाहूंगा मैं, आप अगर क्लोजर में आके दिखा दो कि इंग्रेडिएंट लिस्ट में देखोगे ना तो चॉकलेट पेस्ट है ना वो फर्स्ट नंबर पे, सब में पीनट फर्स्ट नंबर पे रहता है। तो मतलब इस पीनट बटर में पीनट बटर से ज्यादा चॉकलेट है, इसीलिए इसका इतना मैसिव टेक्सचर है। और मैं खुद मोहित को रेकमेंड करूंगा कि इसका टेस्ट खाली करके देख कैसा लगता है। चलो ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो क्या कहना चाहेगा मोहित? I have to change my mind, I guess. ये डेफिनेटली पिंटोला के ऊपर क्योंकि चॉकलेट डोमिनेंट कर रहा है। ये चॉकलेट है भाई, इसको अगर आपको कंपेयर करना है ना तो आप किससे कर सकते हैं पता है? नटेला। मतलब नटेला का एक थोड़ा बेटर अल्टरनेटिव है ये। नटेला तो ऐसे ही खुला गंद है, कैलोरीज ही है, उससे थोड़ा अच्छा खाना चाहोगे ना तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस। इधर तुम ना, मुझे थोड़ा और खाना है, बहुत अच्छा है। सो टेस्ट वाइज 10/10, नो कॉम्पिटिशन एज ऑफ नाउ। तो इसी के साथ हम अपना पीनट बटर का रिव्यू खत्म करते हैं, और अभी हमको लाइनअप करना होगा इन टर्म्स ऑफ टेस्ट। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, एंड उसके बाद एमएफ का फोर्थ। आपने अगर कोई डिफरेंट पीनट बटर को ट्राई किया होगा जो इसके कॉम्पिटिटर हो सकते हैं, या आप हमारी रैंकिंग से सहमत नहीं हो, आप कोई नया पीनट बटर हमें रिव्यू करना चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हम जरूर करेंगे उसे भी रिव्यू। तो टिल देन सी या गुड बाय। एंड वन मोर थिंग, हमारे मोहित का भी यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वेट स्लेयर। सो अगर आपको फिटनेस रिलेटेड कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद है तो इसके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड वन मोर थिंग, जो पर्सन हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है उसका भी यूट्यूब चैनल है, He is really amazing photographer, videographer. उसके चैनल पर भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। So, thank you so much. See you on next video. भाई तो हो गया ना अभी पीनट बटर का रिव्यू, लेके आया पीनट बटर बस वो। मेरे को ना उधर एक और बॉक्स दिख रहा है, हमें भी तो बताओ, ऐसा अकेले अकेले खाओगे? अरे तूने देख लिया कवन? अरे यार, अभी साथ में मिलके अनबॉक्सिंग करना पड़ेगा एक और।